गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विशाल राव। और आज है 18 जनवरी और मैं इस टाइम पे हूं चारबाग मेट्रो स्टेशन के पास में। और हम आए थे घर की तरफ से एक राइड लेकर के, और हमारे को एक भाई मिले हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज। सूरज भाई हैं, ये हमारे पहली बाग में ही रहते हैं और इनका प्रॉपर्टी का वर्क है। अगर आप लोगों को किसी को भी प्रॉपर्टी की नीड हो तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपका इंस्टा फेसबुक लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं? निगोहा रेलवे स्टेशन, रायबरेली रोड। रायबरेली रोड पे निगोहा रेलवे स्टेशन पड़ता है मोहल्लागंज के आगे, ठीक है। जिस तरीके से भाई ने मुझे बताया और मैंने इनका लेआउट देखा है, ठीक है, उस तरीके से लगा काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है। और मैं भी जाऊंगा किसी दिन इनके यहाँ विजिट करके आता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इनकी कैसे प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, तब तक ले बाय बाय। तो मैं आ चुका हूँ घर वापस। आज एक्चुअली मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा भसड़ थी। आपको मॉर्निंग का मैंने दिखाया कि मैं सक्सेस मिला था, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है, सूरज नाम है उनका, और अच्छे इंसान थे। आज मैं पहली राइड मतलब घर से ही लेकर गया था चार बार, उनको मैंने ड्रॉप किया, उसके बाद जो है मैं चला गया था ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हौज पौज था, भीड़ थी, इस वजह से जो है मैं लोगों से मतलब मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और अभी मैं आ चुका हूँ घर वापस। घर आने के बाद मतलब दिन में ही मैंने कुछ मैसेजेस पढ़े थे DMs अपने इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप पे तो देख लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही जवाब देते हैं लोगों को, क्योंकि मैंने उस पर रिप्लाई नहीं दिया था, ठीक है। अब हम इस पर देते हैं जवाब, जो कि क्वेश्चंस कुछ चार पांच क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने पहले से सेलेक्ट करके सारे क्वेश्चन निकाल करके रख लिए हैं, उनको नोट में कॉपी कर लिया है, तो अभी उसी को धीरे धीरे जो है पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है जो भाई, आपको वीडियो बनाकर क्या मिलता है? आपके पास कोई काम धाम नहीं है? जब देखो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग। तो मेरे भाई एक बात बता कि मैंने तेरे को पकड़ के बैठा रखा है मेरी ब्लॉगिंग देखने के लिए, है? मुझे भाई सुकून मिलता है, मैं दुनिया जमाने के लिए वो जो बनाता ही बनाता हूँ, जिसको देखना है वो देखेगा, नहीं देखना ना देखे, ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए बनाता हूँ, मैं अपने फ्यूचर में देखने के लिए बनाता हूँ, ठीक। मैं बूढ़ा हो जाऊँगा कि मैंने स्टार्टिंग में जवानी में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसके लिए बनाता हूँ, ठीक है भाई। आपको अच्छा लगता है देखो, नहीं अच्छा लगता चलते बनो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने सजेशन बोला है बंदे ने, और भाई मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, वो मुझे सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैं लाइक भी करता हूँ, और बहुत अच्छे जा रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, हम आपके साथ हैं। भाई थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना प्यार दिया और मेरी वीडियो सारे देखते हो, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो भाई शेयर भी कर दो फिर, ठीक है, अगर आपको इतनी अच्छी लग रही है तो उसको शेयर कर दो, और फिर कमेंट उसी भी कर दिया करो ना कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि, और पब्लिक को भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो मतलब जो लोग मेरे देख रहे हैं। ज़्यादा व्यूअर्स तो है नहीं, सब्सक्राइबर्स तो अभी नॉर्मली हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन बट व्यूअर्स इतने नहीं हैं, 50, 70, 100 ऐसे व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियोज़ पे, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो बंदा बोला है। हाँ, ये एक्चुअली मेरा एक ग्रुप है, बाइक राइडर एसोसिएशन करके एक ग्रुप है, ठीक है। ये उस ग्रुप में मैसेज आया था कि आपने ये ग्रुप क्या है, हाँ, आपने ये ग्रुप एसोसिएशन के लिए बनाया है या अपना पर्सनल यूट्यूब प्रमोशन के लिए? हाँ, तो भाई जिसने ये बोला था भाई, ये मैंने पर्सनल प्रमोशन के लिए ही बनाया, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो छोड़ दो, तुरंत रिमूव हो जाओ एसोसिएशन से, मैं नहीं कहता छोड़ के रहने के लिए भाई,
काम करना है करेगा, ठीक है। और वैसे भी वो एसोसिएशन चल कहाँ रही है, मैंने मीटिंग्स के लिए बोला, कोई मीटिंग्स के लिए नहीं चलता है, मैंने हर चीज़ के लिए बोला, ठीक है, मीटिंग कर लो, बात कर लो, क्या कंपनी का क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या रेगुलेशन चल रहे हैं, उनके ऊपर बात करनी, उनके पास मतलब नोट लिख करके भेजना है कंपनी को सारी चीज़, लेकिन कोई किसी चीज़ की सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो भाई वो पर्सनल मेरा हो गया, तो मैंने बनाया एडमिन मैं हूँ, जो समझ में आएगा मैं वो करूँगा, जिसको दिक्कत है ग्रुप छोड़ दो, ठीक है, एसोसिएशन छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ बाइक राइडिंग अपने शौक के लिए करता हूँ, ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करता हूँ। हाँ, मैंने ये चीज़ सोचा था कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँगा, उन लोगों की मदद करूँगा जो बेचारे रेगुलर काम करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं और उन्हीं से उनका घर खर्च चलता है। ये एसोसिएशन मैंने उनके लिए बनाया था, जैसे कि कंपनियाँ मनमानी करती हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन जब कोई सुनने के लिए नहीं तैयार होता, फिर आगे हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी ब्लॉगिंग दिखाकर हमें बोर करते हो, बंद करो ये अत्याचार, वही खाना पीना वही सारी चीज़ें दिखाते रहते हो। भाई खाने से दिक्कत है, खाते नहीं हो, हवा पीते हो। मैं अगर किसी वेंडर को, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं दिखाता, मैं रोड साइड वेंडर्स को दिखाता हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट्स भी दिखाऊंगा जब टाइम आएगा, वो भी दिखाऊंगा, जब मैं राइड पे जाऊंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। जब मैं लोकल वेंडर्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, अगर मेरी वजह से किसी वेंडर के पास 5 आदमी भी जाके मेरी नाम से खा लेता है या चाय पी लेता है या कुछ कर लेता है, तो तुमको काहे दिक्कत हो रही है। और हाँ, क्या लिखा है, ब्लॉगिंग से बोर करते हो, मैंने पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, उठो और निकल लो, समझ गए, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, हम तो उसको पकड़ के नहीं बोले, क्योंकि ये हैं भाई इंस्टा पे इन्होंने भेजा है और मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अब ये वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, चलो चलते बनो, ज़्यादा 3-5 मत करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नहीं है, बंदे ने सजेशन दिया है ये, भाई मुझे आपकी सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी एडिटिंग भी अच्छी करते हो, म्यूज़िक भी अच्छा है, बट हर बार एक ही म्यूज़िक मत दो, कुछ चेंजेस करो और व्लॉग में भी हल्का फुल्का चेंज लाओ, और हम आपके साथ हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, आपने मुझे सजेशन दिया कि म्यूज़िक चेंज करने के लिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं म्यूज़िक चेंज करने की, ठीक है, क्योंकि भाई मैं अपना ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं, मोबाइल से ही एडिटिंग करता हूँ, नॉर्मली एडिटिंग करता हूँ, लैपटॉप में एक दिन मैंने फर्स्ट डे किया था, ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और इसको हम आगे चेंजेस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल ही से मैं कुछ चेंजेस लाऊँ, ठीक है, ब्लॉग में सारी चीज़ें करूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा गोप्रो, मैंने बोला ना कि हाँ गोप्रो की भी बात आती है, अभी मैं एक सजेशन कि ये आप लोगों को बता दूँ, उसके बाद एक बंदा है गोप्रो के लिए भी उसने बोला है मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी का ही क्वेश्चन है, और ये हाँ मतलब प्यार से बेइज्जती करना जिसको कहते हैं, भाई भी बोल रहा है, ठीक है, और बेइज्जती भी कर रहा है, भाई नहीं बोलो सॉरी, एक गोप्रो खरीदने के औकात तो है नहीं, बड़े आए ब्लॉगिंग करने, एक गोप्रो खरीदने की औकात तो है नहीं, बड़े आए ब्लॉगिंग करने। अबे भाई मेरी तो औकात है नहीं, ठीक है, तुम्हारी औकात है तो तुम ही हमको खरीद के दे दो, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम ही हमको खरीद के दे दो, भाई ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 53,000 रुपये का है GoPro 9, ठीक है, अब देखते तुम्हारी कितनी औकात है। और रही ब्लॉगिंग करने की, तो भाई मैंने पहले ही बोल चुका हूँ मुझे उतना सेंस नहीं है, ठीक है, मेरे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि मैं उतनी अच्छी ब्लॉगिंग करूँ या कुछ भी,
स्टार्टिंग है, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कैमरा भी है सारी चीज़ें, लेकिन उनको हैंडल कौन करेगा उतना वो नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारी औकात है तो वो खरीद के देना, समझिए। लास्ट क्वेश्चन है, ये व्हाट्सएप पे आया था क्वेश्चन, नहीं गाली दी गई है मुझे, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा खास दोस्त है, उसने बोला है, अबे कुत्ते तू पागल हो गया है, कभी देहरादून भी आ जा और हमें भी व्लॉगिंग में ले ले। तो मेरे भाई बोल तो मैं तेरा नाम ले लूँ, लेकिन नाम नहीं लूँगा। देहरादून में एक्चुअली मेरे कई दोस्त रहते हैं, एक तो दोस्त मेरा मेरे साथ 3-4 साल यहाँ रहा है, वो भी है, ठीक है, उसने भी मुझे पागल बोला था कि तू पागल हो गया है, लेकिन उसने तो गाली सीधी दे दी यार। गाली तो चल मेरी समझ में आती है, लेकिन तू पागल हो गया यार, ये मुझे नहीं समझ में आया आज तक। मतलब आज तक क्या, मतलब कि गली तूने ये बात बोली थी, आज मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक। तो भाई हाँ, देहरादून तो फिलहाल मैं आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा और मिलूँगा, व्लॉगिंग में रही रहने की बात तो वो तो लूँगा ही लूँगा मैं, ठीक है। और ऐसे ही प्यार बनाए रहे, मुझे पता है कि तो सारी वीडियो देखता है, शेयर भी करता है, क्योंकि जैसे तेरे पास वीडियो जाती है उसके बाद शेयरिंग होना शुरू हो जाती है। तो सो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही गालियाँ देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, गंदी अच्छी बुरी जैसा चाहूँगा वैसे ही बनाऊँगा। को देखना देखें, नहीं देखना भैया अपने घर जा करके मोबाइल रख करके रख दे भाई। मैं नहीं कहता कि मेरे वजह से 500 रुपये का आप नेटवर्क कराइए, 699 रुपये का या 599 रुपये का, या आप मेरे लिए करके देखो, समझ गए ना। इसलिए यहीं पे हम करते हैं वीडियो क्लोज, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और हम मिलेंगे कल। आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, और आप लोग मेरी ब्लॉगिंग जिनको अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें, व्यूज़ बढ़ते रहें और मुझे सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों को। और हाँ, आज मैं एक जो मतलब राइड पर मैं जाने के लिए कह रहा था, वो मैं रूट मैप भी ले आया हूँ आज, कल मैं उसकी रूटिंग करूँगा मॉर्निंग में, तो आप लोगों को दिखाऊंगा रूट कैसे किया है मैंने, कहाँ जाना है, कैसे निकलना है। ऑलमोस्ट मैंने कर भी दिया है, लेकिन अभी थोड़ा कुछ बाकी है, तो वो बाकी का कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।